ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की, हमने बात कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेजॉरिटी जो है वो बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं पढ़ेंगे जो कि स्पेस और आपके पास स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सूरज किस तरह जो है मूव करता है, सन जो है वो किस तरह मूव करता है, इनका मासिस क्या है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो आप इस टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास 7.8 लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, 7.10 मास ऑफ अर्थ, 7.11 वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, 7.12 आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, और 7.13 ऑर्बिटल वेलोसिटीज। अच्छा, इस चैप्टर में एक खास बात ये है कि इसके तमाम टॉपिक्स जो हैं वो लॉन्ग में आते हैं, इसमें शॉर्ट के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम उमर ये है कि अगर किसी को भी बॉडी जो है वो दो कंडीशंस अकर कर रही हो, या तो वो रेस्ट की हालत में हो, मतलब कि बिल्कुल रुकी हुई हो, तब भी वो बॉडी को कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। और अगर कोई जो है वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, तो उसको भी कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। ठीक है, नहीं करो नहीं करो, कनेक्टेड है कनेक्टेड है। अब्दुल्ला ताहिर, अब्दुल्ला के चैट में मुझसे जो है वो सवाल पूछ लो, अगर पूछना है तो कुछ। मेरी आवाज़ अच्छा, मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर वॉइस क्लियर नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा नेट इशू है। तो वैसे ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर आप लोगों का कोई पॉइंट जो है वो छूट जाता है, या आप लोग किसी वॉइस जो है वो आप लोगों की क्लियर नहीं है पहुँचती आप लोगों तक, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो इसमें आप लोगों को जो है वो जो आपकी कन्फ्यूजन है वो सब आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, और एनर्जी क्या होती है। अच्छा, इसमें जो सीक्वेंस लिखी हुई है वो लिखी हुई है, पहले वर्क लिखा हुआ है, फिर पावर लिखी हुई है, और फिर एनर्जी लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एनर्जी पहले आएगी, फिर वर्क होगा, और फिर पावर होगी, इसकी वजह ये है कि देखो, इस दुनिया में जितने भी काम या जितने भी चीज़ें जो है वो वर्क हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, एनर्जी है। तो किसी भी चीज़ पर अगर एनर्जी अप्लाई होगी, तभी जो है वो वर्क परफॉर्म हो सकता है। और वर्क जो है वो कितनी रफ्तार से हो रहा है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये पावर है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी पहले आएगी, फिर वर्क आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगी, आपके पास पावर आएगी। उसके बाद आपके पास टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसकी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, छोटी सी एक डेरिवेशन है इसकी। और इसके बाद जो इसके पास टॉपिक्स हैं वो है 8.8 और 8.9, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन जो वर्ड है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई चीज़ कंजर्व हो जाना, मीन्स के कॉन्स्टेंट हो जाना, उसका चेंज ना होना, ना बढ़ना ना कम होना, ना पॉजिटिव बढ़ना ना नेगेटिव उसका कम होना, तो कंजर्व के मीन्स ये होते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 19 में आपके पास इसका नाम है सिंपल मशीन। इसमें आप 6
छह सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये मशीन जो है वो आजकल की जो मशीन्स हैं उन जैसी नहीं है, लाइक कंप्यूटर मोबाइल इस तरह की मशीन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल मशीन्स हैं। इस जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ये है कि इसमें पुली का जिक्र है, इसमें लेवर का जिक्र है, इसमें जो है वो आपके पास स्क्रू गेज का जिक्र है, और इस तरह की जो मशीन जो कि मैनुअली वर्क करती हैं मेजोरिटी, उनका जिक्र इसमें मौजूद है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज आप इसे ये कह सकते हैं, अगर उर्दू में इसको इसकी मीनिंग देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि किस मशीन को यूज़ करने का आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या किस मशीन पे आपको कितनी कम एनर्जी सर्व करनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो काइंड्स आ जाएंगी सिंपल मशीन की, कितनी काइंड्स की होती हैं, जैसे आपके पास लेवर जो है वो 3 काइंड्स के होते हैं, पुली जो है आपके पास 2 काइंड्स की होती है, एंड सो ऑन। ओके, चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर आप लोग जो है वो क्लास 8 क्लास 7 से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। इस ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला टॉपिक 10.1 इलास्टिसिटी, के इलास्टिसिटी क्या होती है किसी चीज़ की। 10.3 में आपके पास हुक्स लॉ अप्लाई टू हेलिकल स्प्रिंग, एक सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, सही है। प्रेशर, एटमोसफेरिक प्रेशर इम्पॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे जाहिर सी बात है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूसरे जो है वो है आपके पास 10.8 पास्कल लॉ, और 10.9 उसकी एप्लीकेशन, कि पास्कल लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। 10 पॉइंट, ये तो आपके पास जो 2 टॉपिक्स हैं ये एक ही टॉपिक है जो कि लॉन्ग में एक साथ आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो पेपर के हवाले से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है वो एक मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो है वो आपके पास 10.15 में सरफेस टेंशन एंड और इसके केसेस भी कुछ हमारे पास मौजूद हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा 10.17 फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है, और फ्लूइड जैसे बेसिकली फ्लूइड बोल सकते हैं तो लिक्विड, लिक्विड के अंदर हम किस तरह फ्रिक्शन देख सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे कि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी मीन्स कि उसका थिक होना, उसका गाढ़ा होना, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर नंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक क्लास के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए भी मज़ीद, और इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप आगे भी सेम एज इट इज़ पढ़ेंगे। इसमें आपके पास जो नॉर्मली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद आपके पास 10.11.9 लीनियर एक्सपेंशन, 10.11.10 वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वो उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो हमारे पास 11.16 बॉयल्स लॉ, 11.17 चार्ल्स लॉ, और 11.18 जनरल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाकर जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव की जाती है, जनरल गैस इक्वेशन, जो कि अक्सर ये तीनों भी मिलाकर जो है वो एक लॉन्ग में आ जाते हैं। उसके बाद 11.19 से लेकर 11.26 तक आपके पास ये सारी जो है वो डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, ये दो दो तीन तीन लाइन की डेफिनेशन हैं, तो ये भी जो है वो पेपर में अक्सर आ जाती हैं। डेफिनेशन के एक सवाल आता है कि डिफाइन 4 या 5 डेफिनेशन आती हैं, तो उनमें से ये डेफिनेशन आ सकती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में आपके पास टॉपिक्स है वेव्स, चैप्टर नंबर 12 का नाम है आपके पास वेव्स एंड साउंड। इसमें आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, 12.3, 12.4 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 2 टॉपिक्स आपके पास जो है वो लॉन्ग में आते हैं। वैसे ये पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरी बेस्ड है, इसमें जो है वो कोई हमारे पास जो है वो डेरिवेशन इतनी ख़ास मौजूद नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक है रेजोनेंस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन बेस है। वेव मोशन एक डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव जो है वो आपके पास, ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस तरह जो है वो कैलकुलेट की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास साउंड की जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मौजूद होती हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है वो हमारे पास है प्रोपेगेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एक मिनट
आवाज नहीं आ रही। आवाज जो है वो मे भी हो सकता है इंटरनेट इशू की वजह से आप लोगों को क्लियर ना आ रही हो, तो आप लोग जो है वो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ये जो जो चीज़ें आपकी मिस पार्ट जो आपके मिस हो गए हैं, वो आप इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन वैसे कहा जाए तो लाइट लाइट का जो है वो टकरा कर किसी चीज़ से, किसी मीडियम से टकरा कर बाउंस बैक होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे अक्सर जो है वो अगर आपके पास जो के मिरर्स होते हैं, अगर मिरर में जो है वो लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वो आपके पास क्या करती है? बाउंस बैक करके किसी दूसरे एंगल पर आपके पास मौजूद होती है। रिफ्लेक्शन की रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपके पास ये है कि कार्स के अंदर जो साइड मिरर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शन की मदद से ही जो है वो वर्क करते हैं, कि आपको पता है कि किस एंगल पर आप अपना साइड मिरर रखेंगे तो आपको जो है वो पीछे आने वाली गाड़ी जो है वो नज़र आएगी या नहीं आएगी। रोड पर क्या हो रहा है पीछे, आप क्योंकि उससे बेखबर होते हैं इसलिए आप साइड मिरर्स लगाते हो, रिफ्लेक्शन की मदद से आप पीछे की तरफ देखते हैं। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है 13.3 द पिन होल कैमरा, 13.4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, 13.5 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 13.6 रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक डेरिवेशन है अच्छी खासी बड़ी और लॉन्ग में मेजॉरिटी आती है, वो है 13.11 मिरर फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसके अलावा भी मजीद टॉपिक्स हैं जो कि डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं और इंशाल्लाह हम तमाम ही को कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 14 आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वीडियो आपके पास जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप लोग जो है वो वहाँ से देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, रिफ्रैक्शन क्या होती है? देखो रिफ्रैक्शन जो है वो हम ये नहीं कह सकते रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन का बिल्कुल अपोजिट पार्ट है। रिफ्रैक्शन ये होती है कि लाइट किसी चीज़ से स्ट्राइक करे और उसका कुछ परसेंट जो है वो उस मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर की एग्जाम्पल लूँ तो वाटर की एग्जाम्पल में मैं ये देखता हूँ कि अगर किसी वाटर के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो पानी के नीचे जो भी चीज़ मौजूद होगी, या चाहे वो पत्थर हो या कोई पौधा हो या कोई भी चीज़ मौजूद होगी, वो मुझे साफ नज़र आएगी और मुझे खुद को पानी भी नज़र आएगा और पानी के अंदर पड़ा हुआ पत्थर भी नज़र आएगा। तो ये एग्जाम्पल है कि लाइट जब पानी की सरफेस से स्ट्राइक कर रही है तो इसका मतलब ये है कि 50% जो है वो लाइट रे जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है या उसके अंदर से पास हो जा रही है, जबकि 50% जो है वो आपके पास बाउंस बैक हो रही है, तभी वो लाइट बाउंस बैक होकर आपकी आंखों तक जा रही है और आपको उसके अंदर की चीज़ नज़र आ रही है कि पानी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो इसमें हम 14.2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग में आता है हमारे पास वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 14.9 आपके पास ये टॉपिक है। ओके, चैप्टर नंबर 15 नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेचर ऑफ लाइट, इसमें आपको लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि लाइट क्या है, लाइट एनर्जी अगर है, लाइट ये तो पता है कि सबको एनर्जी है लेकिन किस तरह की एनर्जी है। इसमें जो आपके पास तीन थ्योरीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि 15.2, 15.3 और 15.4 में लिखा है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और क्वांटम थ्योरी एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये तीन आपके पास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास थ्योरीज ऑफ लाइट हैं, और ये तीनों जो हैं आप के पास जो है वो कभी कभार पेपर में डिफरेंसेस के तौर पर भी आ जाती हैं। और इसमें जो एक और मजीद टॉपिक जो कि डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक है वो है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन और 15.7 पे लिखा हुआ है आपके पास स्पेक्ट्रम। इस चैप्टर से सिर्फ यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर के लिए मतलब कि पेपर में जो है वो आपके पास आ जाते हैं अक्सर। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, हमारे घर के अंदर जो स्विच बोर्ड्स हैं उनमें सीरीज पैरेलल किस तरह जो वो बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स किस तरह वर्क करते हैं, जो नॉर्मली हमारे घर में चीज़ें यूज़ हो रही थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनको हम किस तरह मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं या उनको किस तरह मज़ीद जो है वो हम उनकी पावर को कम कर सकते हैं। जैसे स्टेबलाइजर जो है वो दो तरह के आते हैं, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो स्टेप डाउन में जो है वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, जबकि सॉरी स्टेप अप जो है वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, जबकि स्टेप डाउन जो है वोल्टेज कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इस चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 आपके पास है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम उसकी ब्रांच के बारे में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है नेचुरली जो कि अपने अंदर से खुद से एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, इसकी एक अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और मैग्नेट को जब इलेक्ट्रिसिटी से मर्ज किया जाता है तो इसकी फील्ड कितनी परसेंट पावरफुल हो जाती है या उसका एरिया जो है वो कितना बढ़ जाता है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार टॉपिक्स हैं पेपर से रिलेटेड वो 17.11 से 17.14 जो लास्ट के चार टॉपिक्स हैं, मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर और सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ये चार टॉपिक्स जो है वो पेपर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, तकरीबन दो दो तीन तीन लाइन के सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 18 जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैट्रिक फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर इसे कह सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। दूसरी बात, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि जिनसे आप ज़्यादा अच्छे से वाकिफ नहीं हैं। जैसे इसमें आप ट्रांजिस्टर, डायोड्स और रेक्टिफायर्स और इस एम्पलीफायर और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह ये जो है वो वजूद में आई और किस तरह जो है वो इन इनसे चीज़ों को इन्हेंस किया जाता है या इन इनसे चीज़ों को जो है वो मज़ीद बेहतर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल ऐसे है कि अगर अक्सर जो है वो कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर का जो साइड का जो पीस होता है जब आप वो खोलते हैं तो मदरबोर्ड पे आपको बेतहाशा चिप्स और बेतहाशा सर्किट जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो बेसिकली उसमें से ट्रांजिस्टर बहुत लगे हुए होते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे डायोड, सेमीकंडक्टर और इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई भी होती हैं उसके अंदर। ओके, चैप्टर नंबर 19 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर है, इसके टॉपिक ज़्यादा हैं लेकिन सारे टॉपिक जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिनमें से 19.3 से लेकर आपके पास जो है वो 19.12 तक सारे टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने हैं, सिवाय 19.10 और 19.11 ये दो टॉपिक्स पेपर में नहीं आते। इसके अलावा ये रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेज, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट और ये तमाम जो टॉपिक्स हैं ये पेपर में आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड जो है वो टॉपिक्स हैं और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत आसान है आधे आधे पेज के। तो ये वीडियो जिन लोगों तक क्लियर नहीं पहुंची है वो जो है वो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो ताकि जो है वो आप लोगों को जिस भी सवाल में या किसी भी जो है वो टॉपिक में कन्फ्यूजन या किसी भी चैप्टर के में कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है वो इससे दोबारा देखकर जो है वो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट रह गया, अटेंडेंस लगा।